शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ब्लैक कॉफी देना, पर अभी तो रेड टी शर्ट सर आपके लिए। मैंने कहा ना तुमसे प्लीज। ओके यहाँ पर मैं सफाई करने के लिए नहीं आती। वो क्या है ना, रोहन मेरी एक पेंटिंग बना रहा था तो मैंने सोचा उस पेंटिंग को देख लूँ कि कंप्लीट हुई कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर देखती हूँ तो धूल मिट्टी भरी हुई। पता नहीं क्या करता है लड़का, क्या नहीं, सारे ब्रशेस कहीं धूल मिट्टी कूड़े के अंदर ही रहते। अरे अनु, मेरी झांसी की रानी, अरे कहाँ हो तुम? अनु, अनु क्या? फोन भी ना, ये लो पेंटिंग मुझे देता। रोहन, ये पेंटिंग तुमने बनाई है? मुस्कान ने कभी इसके लिए पोज दिया था क्या? नहीं। तो बिना पोज के तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी? अनु, मैं मुस्कान को रोज मिलता हूं, उसका चेहरा अच्छी तरह याद है मुझे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात। चल हाँ
कोई बड़ी बात थोड़ी ना। मुझे क्या हो रहा है? मेरे ख्यालों में रोहन क्यों?
क्या कर रहे हो? बिजी हो? ओ, मैं सोच रही थी कि कल मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाई ना, क्या आज हम साथ लंच कर सकते हैं? नो मुस्कान, I'm busy. ओ, बिजी हो? अच्छा, हम साथ ब्रेकफास्ट तो कर सकते हैं ना? तुम घर आ जाओ ना प्लीज. नहीं मुस्कान, जाने दो, तुम्हें बहुत काम होगा, बेटा क्लासेस होगा, कुछ और काम होगा, तो समझ उठे. मैं अपने गिटार क्लासेस के लिए बाद में भी जा सकती हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है. ओके, प्लीज ना मत कहना. ओके, I'm coming. But, कुछ ही देर के लिए. Lovely. अच्छा सुनो, तुम्हें डोसा बहुत पसंद है ना? आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए डोसा बनाऊंगी. मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है मुस्कान, अभी आ रहा हूँ. अभी मतलब अभी, राइट नाउ. ओके, सी यू. सी यू सून. रोहन, पेंटिंग तुझे अन्नू की बनानी, अन्नू की. कॉन्सेंट्रेट. अनु 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 कमान अनु कमान 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 आंखें उसकी बाल घोड़ा ले है. मेरी माँ इस टाइम प्लीज प्रकट हो जाए, प्लीज प्लीज. ओके, अन्नू का चेहरा कैसे भूल सकता हूं मैं? अन्नू का चेहरा कोई रॉकेट साइंस नहीं रोहन. Come on, what's wrong with you? रोहन तेरा दिमाग खराब हो गया. अरे अन्नू का चेहरा नहीं याद आ रहा तुझे? अन्नू का, इसका मतलब पेंटिंग नहीं बन सकती है. क्यों नहीं बन सकती? अन्नू की पेंटिंग बनेगी, मैं बनाऊंगा उसे. ये रखी हुई है दीदी मोनी. और आम, कॉफी रेडी है ना? हाँ. ओके. अरे वाह, आज तो अनिरुद्ध के लिए बहुत तैयारी. और ये आई विश मॉम के ऋषि और डैड भी यहाँ होते. आज सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया. हाँ, सारी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करते कितना मजा आता ना. निताई, जल्दी से जाके ऑरेंज जूस लेके आओ. तुम तो जानते हो ना कि अनिरुद्ध को सबसे पहले ऑरेंज जूस चाहिए होता है. हाँ. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आओ, नाश्ता रेडी है. तुम दोनों नाश्ता करो, मैं मिलती हूँ. ओके. आंटी आप कहाँ जा रही है? मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बाद में मिलती हूँ. बड़ा इंसिस्ट आंटी, एटलीस्ट बैठिए हमारे साथ, कुछ खाइए मत, चाय कॉफी पी लीजिए, आप ही का घर है. ओके.
If you say so. ये लो। तुम जिस तरह मेरे दोस्त को देख रही हो, मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत भूख लग रही है। जोकिंग, मुझे भी लग रही है भूख। डोसा अमेजिंग है सच में। अरे मैं आप लोगों को बात बताना भूल गया, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं दिवाली के बाद। अच्छा। या मॉम डैड आर कमिंग, तो उस दिन हमारे घर पे एक डिनर है, फैमिली डिनर, तो मैं चाहता हूँ मुस्कान तुम उस डिनर में आओ। ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। वो भी बहुत खुश होंगे तुमसे मिलके। अनिरुद्ध एक और खाओ ना। ये क्रेजी, मैं रिकॉर्ड नहीं खा सकता, ये एक बस है मेरे लिए। अच्छा सुनो, मैं जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ। ओके ओके। मुस्कान गिटार लाना भूलना मत, वरना वापस आना पड़ेगा। थैंक्स अनिरुद्ध, मुस्कान को इनवाइट करने के लिए। इनवाइट तो कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है नहीं कि वो आएगी या नहीं आएगी। मतलब ये कि मुस्कान आजकल मुझे हाँ तो कर देती है, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं करती। इस बार फैसला हो ही जाए, उसके लिए मेरा फैमिली डिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या रोहन, मुस्कान? हाँ मामा, अनिरुद्ध को हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी तो वो चला गया। और क्या बात है, आजकल तुम बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हो और हमेशा तुम्हें जाने की जल्दी होती है। मॉम कैफे में पहली दिवाली है, मुझे सारे इंतजाम करने हैं और उसके बाद रोहन के साथ मेरी गिटार क्लास है। मुस्कान दिवाली में जो तुम गिटार परफॉर्म करने वाली हो वो कब है? दिवाली के एक दिन बाद। और अनिरुद्ध के घर पे फैमिली डिनर है वो कब है? दिवाली के एक दिन बाद। गॉड, मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं किया वो फंक्शन एक ही दिन। अब मैं क्या करूंगी? हाँ एक काम करती हूँ, अनिरुद्ध को फोन करती हूँ, उससे कहती हूँ कि उसके मॉम और डैड के साथ जो डिनर है ना उसकी डेट एक दिन आगे या पीछे कर ले, है ना? नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। एक मामूली से गिटार परफॉर्मेंस के लिए तुम अनिरुद्ध का डिनर कैंसिल करोगी? हिम्मत बोलो मुस्कान, अनिरुद्ध तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। अब वो मामूली से वो एरे गेरे पेंटर के लिए तुम उसके साथ पराया जैसा बिहेव करोगी? नहीं मुस्कान, तुमने जो अनिरुद्ध को वादा किया है डिनर के लिए, मैं तुम्हें वादा तोड़ने नहीं दूंगी। एक वादा मैंने रोहन से भी किया है मॉम, कि मैं दिवाली फेस्ट में परफॉर्म करूंगी। रोहन से किया वादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनिरुद्ध से किया वादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मुझे लगता है तुम्हारी नई संगत का असर। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं कोई वादा नहीं तोड़ूंगी। आई एम श्योर कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे मैं दिवाली फेस्ट में परफॉर्म भी कर सकूं और अनिरुद्ध के मॉम डैड के साथ डिनर भी कर सकूं। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अनिरुद्ध की फैमिली के साथ डिनर पे जाओगी। दैट्स इट। मुस्कान तुमने हमेशा अनिरुद्ध का दिल तोड़ा, उसे दिया वादा कभी नहीं निभाया। अगर इस बार तुमने उसका दिल तोड़ा ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चॉइस इज योर्स।